हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल बटन न्यू अपडेट्स के लिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। और आज मैं वैलेंटाइन डे स्पेशल चॉकलेट बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बताती हूँ चॉकलेट के लिए क्या क्या चाहिए हमें। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी यदि आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और आइए बताती हूँ, और हमारे तरफ से सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक ऐसे पतीली रखेंगे और इसमें हम एक गिलास पानी बॉयल करने के लिए रख देंगे। और इस पे हमें कोई एक बाउल रखना है इस तरीके का, और बॉल ऐसे रखना है जो पानी से टच ना हो, बस इसके भाप इस पे लगे। तो ये कांच का बॉल है, आप यहाँ पे स्टील का बॉल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले बटर बॉल के अंदर, और आधी टेबल स्पून हम इसमें बटर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आधी चम्मच हमने बटर डाल दिया है इसमें, इसे मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बटर मेल्ट हो गया है, और जो थोड़ा सा बचा है ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और इसे मेल्ट करना है। और ये डार्क चॉकलेट 2 चम्मच के करीब है, तो इसे हम इस पर मेल्ट करने देंगे, मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है हमारा चॉकलेट। तो अब हम इसे बॉल को नीचे उतार लेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करके और नीचे बॉल उतार लिया है। अब एक मैं इस तरीके से छलनी लूँगी, और आधे कप हमने लिया है शुगर पाउडर, इसे इसमें इस तरीके से छान लेंगे। और इसके अंदर मैं आधे कप ले ली हूँ और मिल्क पाउडर, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और जो आधे कप हमने लिया है कोको पाउडर, इसे भी इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इसे हम छान लेंगे ताकि ये लम्स फ्री रहे, इसलिए हमें इसे इस तरीके से चॉकलेट में छान लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छन चुका है, अब इसे हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं अब 1 चम्मच और बटर ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे मैश करेंगे चॉकलेट और इसे, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून दूध डाल दूंगी। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल मिल्क डाल के और इसे अच्छा से मिक्स कर लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपने मेल्ट किए हुए चॉकलेट में कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर, ये 2 चम्मच बटर के साथ 1 चम्मच दूध डाल के हमने अच्छा से मेल्ट कर लिया है। अब ये अपने हम पानी बॉयल पानी के ऊपर इसे थोड़ा देर रखूँगी मैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम रख देंगे, और हमें ध्यान रखना है कि नीचे जो पतीली में पानी बॉयल है वो हमारी ऊपर की पतीली में टच ना हो, जो ऊपर हम बॉयल रखे हैं उस पे। और इसे अच्छा से हम लम्स फ्री होने तक अच्छा से इसे मेल्ट कर लेंगे, और जो हमारा चॉकलेट इसमें जम गया होगा वो भी अच्छा से मेल्ट हो जाएगा, और बटर भी हमारा अच्छा से मेल्ट हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें हमारा सब कुछ अच्छा से मेल्ट हो चुका है, और ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, तो इस तरीके के हमें चाहिए। तो अब इसे हम उतार लेंगे और अपने मोल्ड में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा लिक्विड चॉकलेट के लिए तैयार है। अब मैं एक मोल्ड लेके और इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी, और इसमें जितने भी चीज़ मैंने यूज़ किया है वो सब कुछ इजीली मिल जाता है घर पे या मार्केट में, आप कहीं भी इसे ढूंढेंगे तो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का एक हम चॉकलेट मोल्ड ले लेंगे, और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, अलग अलग शेप में मिलता है। तो मैंने ये वैलेंटाइन डे पे बना रही हूँ मैं, तो ये हार्ड वाला शेप मैंने लिया है, तो ये अलग अलग शेप में मिल जाएगा आपको। तो चलिए इस मोल्ड में हम अपना चॉकलेट को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 चम्मच की मदद से हम इस मोल्ड को फिल कर लेंगे इस तरीके से, और जो इस तरीके से हम सारे मोल्ड को फिल कर लेंगे। तो इस मोल्ड को मैंने हाफ फिल कर लिया है, और इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हूँ। तो 1 बादाम हमने लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है, और उसके ऊपर से हम फिर फिल कर देंगे अपने चॉकलेट को। तो आप देख सकते हैं
इस तरीके से भी आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं नीचे। ये हाफ मोल्ड को हमने भर लिया है और इसके अंदर मैं एक काजू डाल दे रही हूँ इस तरीके से, और ऊपर से फिर मैं इसे इस तरीके से चॉकलेट से भर दे रही हूँ। और आप चाहें तो बिना ऐसे भी आप मोल्ड को भर सकते हैं, और चॉकलेट हमें जल्दी से फिल कर लेना है, नहीं तो ये सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद जम जाएगा। तो इसी तरीके से हम पूरे मोल्ड को फिल कर लेंगे। और यदि मोल्ड आपके पास नहीं है तो आप एक और आइडिया मैं बताऊंगी कि कैसे आप बना सकते हैं बिना मोल्ड के। तो आप फ्रीजर का जो आइस ट्रे होता है ना, उसमें भी आप इसे डाल के और बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे मोल्ड को भर दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे फिल कर लिया है, और इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से टैप कर दूंगी ताकि एयर बबल्स निकल जाए। और एक प्लेट में मैं इसे ले लूँगी इस तरीके से, इस तरीके से हम ले लेंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 20 और 25 मिनट के बाद मैं अपने मोल्ड को बाहर निकाल रही हूँ, और अब इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ अपने चॉकलेट को। तो इस तरीके से हम डीमोल्ड कर देंगे, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा चॉकलेट तैयार है, ये देख सकते हैं आप। तो एक प्लेट में रख लेंगे, और इसी तरीके से मैं सारे चॉकलेट को निकाल लूँगी, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे चॉकलेट को निकाल लेंगे, और थोड़ा सा जो वेटर बच गया था हमारे चॉकलेट का, वो मैंने एक ये फ्रिज के ट्रे में हमने जमा दिया है। तो इसे भी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, जैसे फ्रीज़र निकालते हैं, फ्रीज से अपन आइस निकालते हैं, उस तरीके से निकाल लेंगे। या इस तरीके से एक चाकू लेके हम साइड से इसे निकाल लेंगे, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना सारा चॉकलेट हम बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इसे बनाने में हमें ध्यान रखना है कि हमने थोड़ा सा क्वांटिटी लिया था इसलिए बटर कम लिया था, और जितना आप क्वांटिटी लें उसके हिसाब से आप बटर इसमें डालें, और मिल्क ज़्यादा नहीं डालना है हमें। हमने छोटा स्पून से और टेबल स्पून से, एक टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर डाला था, मिल्क डाला था मैंने, और तीनों चीज़ कोको पाउडर, शक्कर और हमने मिल्क पाउडर सेम क्वांटिटी में लिया था मैंने, तो इतना लेना है हमें। और हमें लिक्विड बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, नहीं तो ये जमेगा नहीं, और ये इसको फ्रीजर में हमें रखना है, फ्रिज में भी ये जम जाएगा, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो इसका बेटर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ चॉकलेट हमने निकाल के आपको दिखाया है, और ये हमने फ्रीज़र के ट्रे में हमने बनाया है। और यदि डार्क आप बनाना चाहते हैं तो इसमें मिल्क पाउडर थोड़ा कम कर दें और कोको पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, तो इस तरीके से डार्क चॉकलेट हमारा तैयार होगा। और इसमें हमने मिल्क पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, तो ये थोड़ा सा लाइट पे हुआ है। तो आप फ्रेंड्स, इस तरीके से इस शेप में आप बना सकते हैं, और ऐसे शेप में भी आप बना सकते हैं, और एक एयर टाइट डब्बे के अंदर रख के आप इसे फ्रिज में रख के 15 से 20 दिन तक आराम से इसे रख सकते हैं। और जो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।